मैं जय आप लोगों का गेमिंग बाईजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, जैसे ही बीते दिनों पबजी बैन हुआ, वैसे ही फौजी गेम काफी ट्रेंडिंग में आ गया। हालांकि फौजी गेम अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन इसके ट्रेंडिंग में आने का जो मुख्य रीजन है वो है अक्षय कुमार ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट डालकर इस गेम के अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने साथ में बताया था कि ये गेम 100% इंडियन गेम होने वाला है और इसको डेवलप कर रही है एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी एनकोर गेम्स। तो जो इंडियन वर्ड इस गेम के साथ लगा उसको सुनकर ही एकदम से एक्साइटमेंट बढ़ गई। इस गेम को पबजी का अल्टरनेटिव गेम माना जा रहा है। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि गेम कब रिलीज होने वाला है, गेम में क्या क्या गेम प्लेइंग मोड हम लोगों को मिलेंगे, इसका गेम प्ले कैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इन सब के आंसर लेके आया हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोगों को आपके आंसर मिल जाएंगे और आप लोगों को बाकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएगी। तो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई बात करते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट है कि फौजी गेम रिलीज कब हो रहा है, हम लोगों को खेलने के लिए फौजी गेम कब तक मिलेगा। तो भाई अभी ये ऑफिशियल हो चुका है कि फौजी गेम अक्टूबर की एंडिंग तक हम लोगों को खेलने के लिए मिल जाएगा। हालांकि अभी तारीख सामने नहीं आई है, जैसे ही तारीख सामने आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो भाई अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उभर कर सामने आ रहा होगा कि फिलहाल तो सितंबर चल रहा है और अगला महीना है अक्टूबर। इस तरह से देखें तो केवल डेढ़ महीना ही बचा है अक्टूबर की एंडिंग को। तो एनकोर कंपनी एक महीने के अंदर हम लोगों को पबजी जैसा गेम डेवलप करके कैसे दे देगी। तो आपके क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं कि फौजी गेम पर फिलहाल अभी से काम स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि इस पर काम स्टार्ट हुए 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुके हैं। हालांकि भाई यहां पर थोड़ा सा अटपटा मुझे भी लग रहा है कि इतने कम समय में एक बहुत बढ़िया गेम हम लोगों को कैसे मिल सकता है, क्योंकि जितने भी बढ़िया गेम आते हैं उनको डेवलप करने में ज़्यादा समय लगता है। गेम लोफ्ट के आप गेम ले लीजिए, उनकी जो अनाउंसमेंट होती है वो काफ़ी पहले हो जाती है, गेम काफ़ी लेट हम लोगों को मिलता है। और ऐसे ही ये के जो गेम है उनकी अनाउंसमेंट बहुत पहले हो जाती है, लेकिन रिलीज डेट उनकी बहुत लेट होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा मुझे भी लगा है कि गेम की क्वालिटी कैसी होगी, ग्राफिक्स कैसे होंगे और क्या हम लोगों को गेम प्लेइंग मोड इसमें मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक वर्ड है जो इंडियन, उस पर उम्मीद है कि जो भी कुछ बनाया होगा इन्होंने अच्छा ही बनाया होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मजाक नहीं बनाना चाहेगी, वो भी एक ऐसा लेवल सेट करके कि सबकी उम्मीदें उनसे बढ़ जाएं। साथ ही एक सेलिब्रिटी की मेंटरशिप में ये गेम बन रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पबजी जैसा ही गेम होगा, बल्कि पबजी से भी 4 कदम बढ़कर ये गेम हम लोगों को मिलेगा और जो इंडियन नाम है उसको ये डुबोएगा नहीं। लेकिन 6 महीने का समय मुझे अब भी कम लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक गेम प्लेइंग मोड हम लोगों को स्टार्टिंग में दिए जा सकते हैं, उसके बाद अपडेट के द्वारा गेम में कुछ भी डाल सकते हैं ये। तो ठीक है यार, जो भी है गेम रिलीज होगा उसके बाद हम लोगों को सब पता चल जाएगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है कि फौजी गेम का गेम प्ले कैसा होगा, इसमें गेम प्लेइंग मोड हम लोगों को कैसे मिलेंगे। तो भाई ये भी ऑफिशियल हो चुका है कि फौजी गेम में स्टार्टिंग में हम लोगों को कैंपेन मोड मिलेगा, यानी कि स्टोरी लाइन बेस्ड ये गेम होगा, जिसमें हम लोगों को ऐसे मिशन दिए जाएंगे जिसमें हम शहीद जवानों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मुझे इस गेम की सबसे बढ़िया लगी कि गेम के साथ साथ हम लोगों को शहीद जवानों की जानकारी भी इस गेम के जरिए दी जाएगी। और भाई इस गेम में जितने भी लोकेशन होगी वो इंडियन लोकेशन होंगी, और केवल इतना ही नहीं है कि ये गेम केवल कैंपेन मोड तक ही सिमट कर रह जाएगा। आने वाले समय में जब अपडेट आएंगी तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें मल्टीप्लेयर मिलेगा और उसके बाद हम लोगों को रॉयल बैटल भी मिलेगी। लेकिन रॉयल बैटल कब मिलेगी, हो सकता है कि 1 साल बाद में मिले, हो सकता है कि उससे ज़्यादा समय बाद में मिले, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े गेम्स आते हैं उनमें अपडेट बहुत लेट आती है। लेकिन जब भी अपडेट आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे नए गेम प्लेइंग मोड्स लेकर आती है, और सेम ऐसी ही उम्मीद हम फौजी गेम से भी कर सकते हैं। तो भाई यदि गेम प्लेइंग मोड से देखें तो हम फौजी गेम से उम्मीद कर सकते हैं कि ये गेम पबजी से भी 4 कदम आगे होगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट ये है, क्या फौजी गेम पबजी गेम की कॉपी है। देखो भाई, जब से पबजी गेम बैन हुआ है और फौजी गेम की अनाउंसमेंट हुई है तो हम लोगों को यह सुनने को बहुत मिल रहा है कि फौजी गेम पबजी की कॉपी होने वाला है। देखो भाई, फौजी गेम पबजी की कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि फौजी गेम में हम लोगों को कैंपेन मोड मिलने वाला है और पबजी में कैंपेन मोड था ही नहीं। तो एक तरह से ये COD जैसा गेम है, यानी कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम है, न कि पबजी जैसा है। लेकिन यहाँ पर बात सोचने वाली ये है कि हम
फौजी गेम को पबजी की कॉपी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये एक इंडियन गेम है और डेवलप किया गया है कि इंडियन गेमिंग कंपनी एनकोर गेम्स के द्वारा, और हम ये मानकर चलते हैं कि इंडिया में अच्छे गेम डेवलप नहीं हो सकते, तो इसी कारण ये बातें उभर रही हैं कि ये तो कॉपी गेम होगा, पबजी की कॉपी होगी, इस गेम में कुछ भी हम लोगों को रियल इस गेम में नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देखो भाई, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद की ऐप डेवलप कर रखी हैं और उस कंट्री में उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन ऐप्स का इस्तेमाल उन कंट्री में क्यों हो पाता है? क्योंकि वहाँ की पब्लिक उन ऐप्स को सपोर्ट करती है। तो चलो एग्जाम्पल चीन का ही ले लेते हैं। चीन में जितनी भी ऐप्स हैं वो खुद के द्वारा डेवलप की गई हैं। जैसे वो व्हाट्सएप की जगह वी चैट का इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम की जगह यूसी ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। उनकी पब्लिक ये नहीं कहती कि ये उन लोगों ने कॉपी कर रखे हैं, बल्कि बड़े ही मन से उनका इस्तेमाल करती है और उनकी डेवलपर कंपनियों को सपोर्ट करती है। तो सेम ऐसा ही सपोर्ट हम लोगों को भी हमारे देसी डेवलपर्स को करना पड़ेगा, तभी हम अपने खुद की ऐप बनाने में कामयाब होंगे और पबजी जैसे गेम को पीछे छोड़ पाएंगे। तो भाई ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में फौजी गेम से रिलेटेड बार बार उठते होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को उन सब के आंसर मिल गए होंगे। यदि अब भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दो। कुछ सलाह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो और ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।